नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं पैन कार्ड बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस, जिसमें कि हम अपने मर्जी के फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके अपना जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन ही बना पाएंगे, जिसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन ही बनकर मिल जाएगा। साथ ही पोस्ट के माध्यम से फिजिकल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा किस तरह से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपली आपको अपना मोबाइल में गूगल क्रोम या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है NSDL लिख के आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहला ही वेबसाइट देखने मिलेगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर अपना नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको दोस्तों इस फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना होगा। बस दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो यहां पे आप 100% यहां पे अप्लाई करना आप नहीं सीखेंगे। तो यहां पे आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो सिंपली यहां पर अपना नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले आपको देखने मिलेगा एप्लीकेशन टाइप। तो बस क्या करेंगे, आपको यहां पर प्लीज सेलेक्ट इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। बस क्या करेंगे, आपको सिंपली यहां पर इस फॉर्म को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको देखने मिलेगा कैटेगरी, इस बॉक्स पे फिर से सेलेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा इंडिविजुअल। बस क्या करेंगे, आपको यहां पर अपना इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। देन आप क्या करेंगे, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल करके आप यहां पर नीचे आएंगे। जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, उसी के नीचे आपको देखने मिलेगा टाइटल, उसी के नीचे आप देखेंगे यहां पर देखने मिलेगा एक बॉक्स सेलेक्ट, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा श्रीमती कुमारी। दोस्तों अगर आप किसी लेडीज के लिए बना रहे हैं तो यहां पे आप SMT चूज करेंगे, अगर आप किसी जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो यहां पर श्री चूज करेंगे, अगर आप किसी लड़की बना रहे हैं जिनका शादी नहीं हुआ तो उनका यहां पे क्या करेंगे, कुमारी आप लगा सकते हैं। तो यहां पे अपने अनुसार आपको चूज कर लेंगे। तो यहां पे मैं एक लेडीज का बना रहा हूं, यहां पे मैं SMT चूज कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे में दोस्तों यहां पर आपको तीन बॉक्स दिखने मिलेगा, देखेंगे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। दोस्तों यहां पर बहुत लोग गलती करता है इस फॉर्म को भरने में, लास्ट नेम क्या भरना, फर्स्ट नेम क्या भरना, मिडिल नेम क्या भरना। दोस्तों यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मैं आपको स्क्रीन में भी देता हूं। जैसे अगर आपका नाम आकाश कुमार गुप्ता है तो आपको दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट नेम आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको आकाश लिखना है। उसके बाद दोस्तों मिडिल नेम में आप क्या करेंगे, कुमार लिखेंगे। उसके बाद लास्ट नेम में आप क्या करेंगे, गुप्ता लिखेंगे। यहां पर मैं आपको स्क्रीन में इस तरह से देता हूं, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो यहां पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और यहां पर मिडिल नेम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। यहां पर क्या करेंगे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सही सही फिलअप करेंगे। यहां पर आपको कैलेंडर देखने मिल जाएगा, इस कैलेंडर के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ को यहां पर आप फिलअप कर सकते हैं। यहां पर ईयर देखने मिलेगा, ईयर पे क्लिक करके अपने अनुसार यहां पर ईयर चूज करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको डेट देखने मिलेगा, यहां पर क्या करेंगे, आप डेट चूज कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मेरा डेट फिलअप हो चुका। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा ईमेल आईडी, यहां पर क्या करेंगे, इस बॉक्स पे आपको सही सही अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। जो भी आपका यहां पर ईमेल आईडी होगा, यहां पे क्या करेंगे, यहां पर अपना पूरा ईमेल आईडी को आपको सही सही फिलअप कर देना है। यहां पे अपना ईमेल आईडी को सही सही फिलअप करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा नीचे में मोबाइल नंबर, यहां पर क्या करेंगे, आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहां पर फिलअप कर देंगे। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, आपको आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर को आपको यहां पर फिलअप करना है, क्योंकि जो पैन कार्ड जो आपका बन रहा है यहां पर सिर्फ आपके आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनेगा, यानी आपको यहां पर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड नहीं करना, सिर्फ आधार कार्ड यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर सिंपली आपका पैन कार्ड यहां पर आपका बन जाएगा। तो यहां पे मैं अपना डिटेल्स को सही सही फिलअप कर लेता हूं।
दोस्तों यहाँ पर अपना डिटेल्स को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखने मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस बॉक्स में टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में कैप्चा दिखने मिलेगा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स पे फिलअप करना होगा। अगर आपको यहाँ पर कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश करने का एक छोटा सा बटन दिखने मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना कैप्चा फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में देखेंगे सबमिट का एक बटन है, बस क्या करेंगे इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ, तो इस तरह से देखने मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस टोकन नंबर को आपको कॉपी में लिख लेना है। आपके नंबर पर भी आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है, जो नंबर दिए होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली आपको इस टोकन नंबर को आपको लिख लेना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसी टोकन नंबर से आपको आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में देखने मिलेगा कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, बस क्या करेंगे कंटिन्यू विथ अ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने लोडिंग लगेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर पैन कार्ड बनाने के लिए यहां पर तीन मेथड से बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे सबमिट डिजिटल थ्रू KYC पेपरलेस, उसके बाद देखेंगे सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई-साइन, उसके बाद देखेंगे फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो यहां पर दोस्तों अगर आप अपना पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर भी ऐड करना चाहते हैं, फोटो और सिग्नेचर वहां पर अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे आपको यहां पे सेकंड वाला ऑप्शन पे क्या करेंगे टिक करेंगे, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। यानी आप अपने पैन कार्ड में फोटो के साथ सिग्नेचर के साथ मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस यहां पे इस पे टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पर नीचे आ जाना है। यहां पे आपने मोबाइल से बना रहे होंगे तो यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे अगर आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं, जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड जो आता है बाय पोस्ट, अगर वो आप चाहते हैं तो यहां पे आपको इस पे टिक रहने देना, यहां पे चेंज नहीं करना। अगर आप प्लास्टिक वाला पैन कार्ड नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप जो चाहते हैं PDF में आ जाए, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे में देखेंगे आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, तो यहां पर देखेंगे इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी आपको अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको इस बॉक्स पे फिलअप करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं अपना फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर टाइप करने के बाद उसके बाद नीचे देखेंगे नेम एज पर आधार, यानी आपके आधार कार्ड में जिस तरह से नेम है उस नेम को आपको यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपना नाम को फिलअप कर लेता हूँ। यहां पर अपना नेम को फिलअप करने के बाद दोस्तों आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। यहां पर आपका नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपका फिलअप रहेगा, उसके बाद आपको यहां पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। दोस्तों आप जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने वाला दोस्तों यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से फिलअप किए तो यहां पे पहले आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर जेंडर, तो यहां पे क्या करेंगे आपको प्लीज सेलेक्ट इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको जेंडर चूज कर लेना, अगर आप मेल के लिए बना रहे तो मेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप फीमेल के लिए बना रहे तो क्या करेंगे फीमेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखने मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको यहां पर फिलअप नहीं करना। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी आपका कोई भी और नेम है तो यहां पर यस पे क्लिक करके अपना नेम फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपका निक नेम वगैरह हुआ तो यहां पे क्या करेंगे नो पे क्लिक रहने देना, यहां पे आपको चेंज नहीं करना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहां पर नीचे आना, यहां पे दोस्तों आपको छेड़खानी कुछ नहीं करना। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखने मिलेगा वेदर, यहां पे देखने मिलेगा सिंगल पेरेंट्स विद, इस तरह से देखने मिलेगा दोस्तों। यहां पर क्या करेंगे फादर्स नेम इवन मैरिड वुमेन शुड बी फादर्स नेम ऑल, यानी आप जिसका भी पैन कार्ड बना रहे उनका फादर्स नेम यहां पर आपको फिलअप करना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे उनका फादर्स नेम यहां पे आपको सही से फिलअप करेंगे। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है जो पैन कार्ड में जो भी नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे उनका फादर्स नेम भी या मदर्स नेम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना फादर्स नेम प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो यहां पर क्या करेंगे आप फादर्स नेम फिलअप करेंगे। अगर आप मदर्स नेम को फिलअप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे मदर्स नेम फिलअप करके यहां पर आपको मदर्स नेम पर यहां पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं फादर्स नेम यहां पर फिलअप करना चाहता हूं, तो यहां पर फादर्स नेम अपना फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में देखेंगे नेक्स्ट का एक बटन है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम, यानी जिनका पैन कार्ड बना रहे हैं अगर आप उनका इनकम है तो यहाँ पर आपको इनकम चूज करना, जैसे सैलरी हुआ, इनकम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कैपिटल, जो भी है अगर आप इनकम है तो यहाँ पे इनकम चूज करेंगे।
अगर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे आप नो इनकम चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप एड्रेस आपका रेसिडेंस है, आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस चूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में रहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेसिडेंस चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको रूम यानी डोर ब्लॉक नंबर या ब्लॉक नंबर लिख सकते हैं, या फ्लैट है तो फ्लैट लिख सकते हैं, अगर रूम नंबर है तो रूम नंबर लिखेंगे। उसका देखेंगे नेम यानी बिल्डिंग है ना, जहाँ पे रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं एरिया लिख सकते हैं। यहाँ पे रोड, स्ट्रीट, लैंड, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे अपना जो आपका रोड वगैरह है तो रोड वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपना एड्रेस लिख देंगे, वो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिवीजन चूज करेंगे, अपना टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट अगर है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इंडिया टाइप करना है। तो यहाँ पे अपना क्या करेंगे, अपना इंडिया चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना इंडिया चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना स्टेट चूज करेंगे, जो भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने मिलेगा पिन कोड, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एरिया का जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिप कोड छोड़ देना है, यहाँ पे जिप कोड भरना जरूरी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एड्रेस को फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अपना एड्रेस को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस फिलअप नहीं करना, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिलअप करना, ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा टेलीफोन एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्री कोड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इंडिया यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर इंडिया कोड होता है 91, यहाँ पे क्या करेंगे 91 फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको देखने मिलेगा एरिया एसटीडी कोड, दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एरिया एसटीडी कोड यहाँ पर अगर आपको पता है तो यहाँ पर अपना एरिया एसटीडी कोड लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर पता नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आएंगे, नीछे आने बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे नेक्स्ट का एक बटन है, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपके सामने इस तरह से देखने मिलेगा। यहां पर देखेंगे आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, दोस्तों यहां पर आपको सही आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहां पर तो सिंपली आपको एरिया कोड, एओ टाइप ये सब पता नहीं होगा, तो ये पता करने के लिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, सिंपली यहां पे आपको यहां पे क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको देखने मिलेगा इंडियन सिटीजन, बस क्या करेंगे इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहां पे आपको स्टेट चूज करना, तो यहां पर मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूं, जो भी स्टेट से होंगे अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, आपको अपना सिटी चूज करेंगे, जो भी सिटी में आते हैं तो यहां पर क्या करेंगे, आपको अपना सिटी चूज कर लेना। तो चलिए यहां पे मैं अपना सिटी चूज कर लेता हूं। दोस्तों यहां पर आपको सही सही फिलअप करना, यहां पे आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। तो चलिए यहां पे सिटी चूज कर लेता हूं। जैसे सिटी चूज करेंगे दोस्तों यहां पर आपको सारा कुछ देखने मिल जाएगा, एरिया कोड सारा कुछ आपको यहां पर शो करेगा, रेंज कोड, एरिया कोड, एओ नंबर। तो यहां पर क्या करेंगे, आपको यहां छोटा सा गोला गोल देखने मिलेगा बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सारा कुछ फिलअप हो जाएगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा सारा कुछ यहां पर फिलअप हो चुका है, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, सारा कुछ फिलअप हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट का बटन, बस क्या करेंगे इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा और यहां पे अपना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो यहां पर देखेंगे आपको देखने मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं तीनों में आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको आधार चूज कर लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना एक आधार यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में आपको देखने मिलेगा आधार कार्ड इशू बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पे क्लिक करेंगे। सारे जगह क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आधार चूज कर लेना है। यानी आप अगर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं, यहां पे सारा कुछ आपको शो करेगा। तो यहां पे मैं तीनों में आधार देना चाहता हूं, तो यहां पर देखेंगे आधार आ चुका, आधार कार्ड, इस पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट, मैं इसमें भी मैं आधार ले लेता हूं।
तो यहाँ पे सारे जगह आपको सही सही फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में आपका नाम आ जाएगा, जो भी नेम होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हिमसेल्फ हर सेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, हिमसेल्फ हर सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा प्लेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अपना प्लेस लिख देना, यानी आपका जहां भी एड्रेस होगा, जहां भी घर होगा, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे अपना एक प्लेस लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्लेस लिखने के बाद यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, जिस भी डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, पैन कार्ड बना रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने वाला दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको देखने मिलेगा फोटो, अपलोड फोटो और सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो भी आधार कार्ड यहाँ पर चूज किए वो आधार कार्ड अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट है, आपको इसको समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर जब भी फोटो अपलोड करेंगे, जो भी सिग्नेचर अपलोड करेंगे दोस्तों, इसका देखेंगे, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो उसका जो होगा जेपीजी होगा, उसका जो डायमेंशन होगा दोस्तों, यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 200 DPI 200 DPI देखने मिलेगा। उसके बाद इसका साइज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, इस तरह से साइज आपको अपलोड करना होगा। अगर आप इस साइज अपलोड नहीं करेंगे तो यहां पर आपका पैन कार्ड यहां पर आपका सही से अप्लाई नहीं होगा और आपका पैन कार्ड नहीं बन के आएगा। सिग्नेचर में भी वही है, जेपीजी है, इसका 200 डीपीआई है, कलर है, डायमेंशन इसका शुड भी इतना है, डायमेंशन देखेंगे 2x4 इसका सीएम है, और उसके बाद देखेंगे इसका भी 3.5x2.5 cm। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि फोटो का साइज कैसे कम किया जाता है, कैसे इसका डायमेंशन सेट करते हैं, तो इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना के रखा हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आपको वॉच करके तब जाके आप यहाँ पे अपना फोटो का साइज को सही कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, जो भी डायमेंशन वगैरह होगा उसको सही कर लेंगे। मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा हूं इस चैनल में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं अपना फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको देखने मिलेगा प्लस का यहाँ आइकन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी फोल्डर में आपका फोटो होगा यहाँ पे अपना फोल्डर चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना फोल्डर चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक फोटो है, इस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है। उसका क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख मिलेगा अपलोड का बटन, बस क्या करेंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फोटो अपलोड होगा, आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरा फोटो यहाँ पर सही सही अपलोड हो चुका है। अब बात आता है कि आपको यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने फिर से आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद फिर से आपको यहाँ पे फोल्डर चूज करना, जो भी फोल्डर में आपका सिग्नेचर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सिग्नेचर सही सही अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों अब बात आती है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना। दोस्तों मैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि यहाँ पे आप सारा कुछ कैसे आप क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों आप अपना जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, जो भी अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे PDF अपलोड करना होगा, जो मैक्सिमम साइज है 300 KB है। तो अगर आपको पता नहीं है PDF का साइज कैसे कम किया था, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना एक PDF अपलोड कर लेता हूँ आधार कार्ड का। दोस्तों यहाँ पर जब भी अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो होना चाहिए, यानी आप सिर्फ फ्रंट साइड का नहीं, बैक साइड का भी आपको फोटो अपलोड करना होगा। और दोस्तों यहां पर जब भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके नहीं अपलोड करना, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहता है। आप PDF अपलोड कर देंगे तो वो पासवर्ड आपको लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आपका PDF आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों यहां पर अपना आधार कार्ड अपलोड करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा सबमिट का बटन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, यानी आपको अपना फर्स्ट 8 डिजिट आपको आधार कार्ड नंबर फिलअप करना होगा। पहले आप लास्ट वाला 4 डिजिट फिलअप किए होंगे, उसके बाद आपको यहां पर फर्स्ट वाला 8 डिजिट आपको यहां पर सही सही फिलअप करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं अपना फिलअप कर लेता हूं।
यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट टाइप करने के बाद, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर फिलअप रहता है, यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे आपको सही से चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स फिलअप रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में आपको देखने मिलेगा प्रोसीड का बटन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कि आपको पेमेंट करना, यानी आप यहाँ पर किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं या एटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, यानी आपको अगर अपना एटीएम से भी करना चाहते हैं तो यही चूज करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पेटीएम या एटीएम से करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने दोस्तों आपको 106 रुपीज, यानी 106 रुपए आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जो कि यहाँ पर जो इसका चार्ज है यहाँ पे 106 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने वाला दोस्तों यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स देखने मिलेगा, आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस, इस पे छोटा सा बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर पे कंफर्म पर, यहाँ पे क्या करेंगे पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। देखिए तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्कैन क्यूआर विद पेटीएम, तो यहाँ पे आप स्कैन क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना पेटीएम ओपन करेंगे और स्कैन क्यूआर को ओपन करेंगे और इसको स्कैन करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे आपका 106 रुपीज आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। अगर आप अपना पेटीएम से यूपीआई थ्रू करना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे यूपीआई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अपना यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं पेमेंट, तो यहां पर आपको क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं अपना स्कैन से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से मैं यहां पे पेमेंट कर देता हूं। सबसे इजी मेथड मुझे लगा यहां पर क्यूआर कोड से स्कैन करके, तो यहां पर मैं इसको स्कैन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट है यहाँ पे, तो आपका पेमेंट हो जाएगा लेकिन आपका पैन कार्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे इट मे टेक 1 मिनट काइंडली, यानी आपको 1 मिनट तक आपको वेट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे पेमेंट रिसिप्ट, यानी मेरा पेमेंट रिसिप्ट भी यहाँ पर आ चुका है। देखेंगे 106.90, यानी आप मेरा यहाँ पे रेफरेंस वगैरह सारा कुछ नंबर देखेंगे मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने वाला दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा कंटिन्यू का बटन, बस क्या करेंगे इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने वाला दोस्तों फिर से आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स देखने मिलेगा, बस क्या करेंगे सिंपली आपको छोटा सा बॉक्स पे क्लिक करेंगे। छोटा सा बॉक्स पे क्लिक करने वाला दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ऑथेंटिकेट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको यहाँ पर इस ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ओटीपी ऑथेंटिकेशन, बस क्या करेंगे ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस नंबर पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे ओटीपी का एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या करेंगे आपको अपना ओटीपी फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मेरा ओटीपी आ चुका है, जो नंबर लिंक था, तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अपना ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सबमिट का बटन, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों फिर से आपको देखने मिलेगा कंटिन्यू विथ ई साइन, बस क्या करेंगे कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों फिर से लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों फिर से आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह से देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने मिलेगा आई हेयर बाय ऑथराइज, इस पर क्या करेंगे छोटा बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों फिर से आपको यहां पर अपना आधार नंबर आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए यहां पर मैं अपना आधार नंबर फिलअप कर लेता हूं। दोस्तों यहां पर अपना आधार नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको देखने मिलेगा सेंड ओटीपी, बस क्या करेंगे सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद दोस्तों फिर से आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पर ओटीपी आएगा, यहां पर अपना ओटीपी को फिलअप करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर अपना ओटीपी को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद देखने लगा वेरीफाई ओटीपी, बस क्या करेंगे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने मिलेगा, यानी आप जो भी यहाँ पे अपलोड किए, जो फोटो यहाँ पर अपलोड किए, जो फाइल अपलोड किए, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपको दिखने लगा यहां पर डाउनलोड पीडीएफ, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करना दोस्तों ये पीडीएफ आपके मोबाइल में या लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में यहां पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पर मैं अपना डाउनलोड फोल्डर में जाता हूं, यहां पे डाउनलोड में जाता हूं। डाउनलोड में जाने के बाद दोस्तों यहां पर मैं चेक कर लेता हूं कि डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है, देखेंगे इस तरह से आपको फाइल देखने मिलेगा। बस क्या करेंगे सिंपली अपना पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। जैसे आप पीडीएफ को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो पीडीएफ होता है पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है, पासवर्ड लगा होता है। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, कौन सा पासवर्ड होगा, ये आपको यहाँ पे दोस्तों जान लेना। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली आपको जिसका भी पैन कार्ड यहाँ पर अप्लाई किए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है जैसे 16/10/1995 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 16/10/1995 लिखना है। आपको बीच में कुछ भी डैश वगैरह कुछ भी स्लैश वगैरह नहीं लगाना। तो यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरह से आपको क्या करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे। तो चलिए यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा पैन कार्ड है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई हो चुका, सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा आवेदन यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा यहाँ पे जो फॉर्म होता है, यहाँ पे जो फॉर्म होता है 49A, तो यहाँ पर देखेंगे 49 इस तरह से आपको फॉर्म देखने मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको शो करेगा। दोस्तों यह फॉर्म आपको कहीं भी भेजना नहीं पड़ता क्योंकि यहां पे आप जो ऑथेंटिकेशन किए हैं आधार से किए हैं, यहां पे आपका सारा कुछ देखने मिल जाएगा, आपका पीडीएफ वगैरह, आधार कार्ड का फोटो वगैरह सारा कुछ यहां पे आपको शो करेगा। और दोस्तों यहां पर देखेंगे आपका फोटो यहां पर शो करेगा। और दोस्तों यहां पर जो आपका जो पैन कार्ड अप्लाई किए आवेदन किए दोस्तों यहां पर आपका सक्सेसफुली आपका पैन कार्ड यहां पर अप्लाई हो चुका। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ होता है, जो आपका जो पैन कार्ड का जो पीडीएफ होगा, आपको 2 दिन के अंदर यानी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी जीमेल दिए, जो भी ईमेल आईडी दिए, उस ईमेल आईडी में आपका पीडीएफ, जो आपका जो पैन कार्ड का जो पीडीएफ होता है आपको मिल जाएगा। यानी आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट करके आप यूज कर सकते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है, जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड है, वो लगभग आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा बाय पोस्ट। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से बड़ी आसानी से पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।